नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है एक स्पेशल खीर। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल खीर की रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे बासमती राइस और इसको भीगने के लिए 20 मिनट तक छोड़ देंगे। तो ये चावल लगभग आधे घंटे तक भीग चुके हैं। अब मैं इनको एक बार फिर से धो लूँगी और धोने के बाद इनका सारा पानी निकाल के रख दूँगी। अब आपको क्या करना है कि भीगे हुए चावलों को हाथों से ऐसे एकदम मसल मसल कर तोड़ लेना है। एकदम ये टुकड़े छोटे छोटे हो जाने चाहिए, जिससे कि दाने एकदम छोटे हो जाते हैं ना, तो मुंह में आते हैं तो एकदम घुल से जाते हैं। ये बहुत अच्छा एक टेक्सचर देता है, इस वजह से इनको ऐसे मसल मसल कर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए आप चावल कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं। हमें ऐसा ही चाहिए था। अब चावलों को अलग करके रख लेते हैं और दूध चढ़ा देते हैं। तो ये इंडक्शन पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है और वो जो चावलों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था उसको हम इसी में डाल देंगे और चावल को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल लगभग 15 मिनट में आधे से थोड़े ज़्यादा पक जाएंगे। अगर आप पका रहे हो और आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आप थोड़ी देर और पका सकते हैं। तो चावल अब लगभग 15 मिनट तक पक चुके हैं। अब हम अलग से एक पैन चढ़ा देते हैं और इसमें हम घी डालेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह है उसको फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करते करते लगभग आधा मिनट हो चुका है और ये अच्छे से ब्राउन होने लग गया है। इसी बीच हम इसमें डाल देंगे किशमिश और इसे भी थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अब ये भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो इसे भी हम निकाल कर अलग से रख लेंगे। अब इसी घी में हम डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच के करीब चीनी और चीनी को हम हल्का सा जलाएंगे। यही एक स्पेशल ट्रिक है जिसकी वजह से इसमें एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाती है। तो ये खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है और इसकी वजह से जो दूध है उसका कलर एकदम क्रीम क्रीम जैसा हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इस चीनी को अच्छे से भून लेते हैं और इसको थोड़ा सा जला लेते हैं। तो आधे मिनट बाद चीनी एकदम मेल्ट हो चुकी है। हम इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाते रहेंगे। आपको साइड में पानी तैयार रखना है, जैसे ही चीनी जल जाएगी हम उसमें तुरंत पानी डाल देंगे। तो ये बस चीनी जलने ही वाली है, बस जैसे ही बबल्स थोड़े से ख़त्म होंगे बस इसी स्टेज पे आपको पानी डाल देना है। अब ये सारा पानी जो है हम खीर में डाल देंगे और खीर को अच्छे से पका लेंगे जब तक वो पूरी तरीके से नहीं पक जाता। तो आप देख ही सकते हैं कि खीर का कलर कितना अच्छा हो गया है। इसमें अगर आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क भी मिला सकते हैं, उससे इसकी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाती है। इसी के साथ हम इसमें डाल लेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उनको। तो खीर को पकते पकते लगभग आधे घंटे टोटल हो चुके हैं। तो अब तक ये खीर पक चुकी है, अब थोड़ी देर और पका लेते हैं जिससे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये वैसे ही बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके दाने एकदम साबूदाना जैसे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। तो आपको इतनी ही देर तक पकाना है और इतनी देर पकाने के बाद आपको इसमें चीनी डाल देना है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद होता है किसी को कम पसंद होता है। तो आपको बस चीनी डालना है, इसको घुलने देना है और बस बंद करके ठंडा करना है, फिर ये परोसने और खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि खीर एकदम रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने घर वालों को सबको खिलाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।
एंड गुड डे।